नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एशियन गेम्स में भारत के 100 पदक पर पीएम मोदी बोले, सीना गर्व से चौड़ा हुआ। भारत ने चीन के हांगजो में चल रहे एशियन गेम्स 2022 में अब तक 100 मेडल जीत लिए हैं। शुक्रवार तक भारत ने कुल 95 मेडल जीते थे। शनिवार सुबह भारत ने सबसे पहले तीरंदाजी में 2 मेडल जीते। महिला वर्ग में भारत की ज्योति सुरेखा ने गोल्ड मेडल और अदिति स्वामी ने कांस्य पदक जीता। इसके बाद तीरंदाजी पुरुष वर्ग का फाइनल दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच ही हुआ। ओजस देवताले ने गोल्ड और अभिषेक वर्मा ने सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके बाद कबड्डी में गोल्ड मेडल के साथ भारत के 100 मेडल पूरे हो गए। भारत ने कबड्डी के फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय एथलीटों को मुबारकबाद देते हुए लिखा है, ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। ये दर्शाती है कि मेहनत और जज्बे से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। उन्होंने लिखा, भारत के लोग रोमांचित हैं कि हमें 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल कर लिया है। मैं अपने एथलीटों को बधाई देता हूं जिनके प्रयासों से भारत इस मील के पत्थर को पार कर सका है। हमारे एथलीटों के हर विस्मयकारी प्रदर्शन ने इतिहास बनाया है और हमारे सीनों को गर्व से चौड़ा कर दिया है। मैं 10 अक्टूबर को हमारे एशियाई दल की मेजबानी करने और एथलीटों के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हूं। शनिवार को चीन को हांगजो में चल रहे एशियन गेम्स में भारत ने 100 मेडल जीत कर कीर्तिमान बना दिया है। ये पहली बार है जब एशियन गेम्स में भारत ने 100 मेडल जीते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।